बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे। जमुरे भाई जागो ना बह जाए जल सारा, आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जल धारा। जल सारा मैं आकाश। आगे बढ़ने से पहले पूर्व सूत्र पर एक दृष्टि। भावनगर से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नारी गांव। कुछ वर्ष पूर्व पड़े सूखे ने इस गांव को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। नारी गांव के निवासियों ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से संपर्क किया और जल्द ही तालाबों एवं कुओं के निर्माण का कार्य अथक परिश्रम के बाद समाप्त हो गया। गांव वाले प्रसन्न थे। सारे तालाब एवं कुएं पानी से भर गए थे और धीरे धीरे नारी गांव एक बार फिर समृद्धि की ओर अग्रसर हो गया था। मैं आकाश दुनिया के इतिहास और धर्मों का साक्षी हूँ। मैंने संसार की भिन्न भिन्न संस्कृतियों को देखा है, अजीबो गरीब लोगों को देखा है, मैंने भांति भांति के युगों को देखा है। मैं आकाश आप सभी दर्शकों को उन्हीं संस्मरणों के कुछ हिस्से दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जहां मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ वो स्थान भी भावनगर जिले के गढ़ड़ा तालुका के समीप ही है। गढ़ड़ा तालुका सौराष्ट्र के काठियावाड़ इलाके में स्थित है। एक समय में ये नगर काठ वंश के अधीन था, इसीलिए इसका नाम काठियावाड़ पड़ा था। उस प्राचीन काल के कुछ दरवाजे एवं इमारतें आज भी इस जगह देखी जा सकती हैं। यहाँ का पुराना नाम गढ़पुर था। ये स्वामी नारायण संप्रदाय का लगभग 180 वर्ष पुराना तीर्थ स्थल कहलाया जाता है। भगवान स्वामीनारायण की कर्म भूमि एटले आ गढ़ड़ा। आप जे मंदिर जोई रहा छो ये भगवान स्वामीनारायण स्वयं पोताना माथा उपर पत्थर मुकी ने जेना पाया पोते गाली ने आ मंदिर नु निर्माण कार्य करू छे। स्वामीनारायण भगवान अहींया 29 वर्ष सुधी रहीने समग्र स्वामीनारायण संप्रदाय ना सिद्धांतों नी स्थापना अहींया बेसीने ज करी अने छेल्लो श्वास पण आ गढ़ड़ा नी पवित्र पावन भूमि मां भगवान स्वामीनारायण ने लीधो। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान स्वामी नारायण ने तपस्या की थी। उनके आदर एवं स्मृति में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था। समय के साथ साथ इस संप्रदाय के अनुयायी बढ़ने लगे, साथ ही मंदिर के कार्य और वहाँ की बनावटों में भी 4 चांद लगने लगे और देखते ही देखते ये मंदिर एक विशाल कलात्मक भव्य मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। सफेद पत्थरों द्वारा निर्मित इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। ये आस्था एवं आकर्षण दोनों का केंद्र बन चुका है। इसके परिसर में और आसपास सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया हैं। इस पुराने स्वामी नारायण मंदिर में हर वर्ष पाठोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। आज आसो सूद 12 ना दिवस એટલે કે ગોપીનાથજી મહારાજ નો પ્રતિષ્ઠા દિવસ। आजना दिवसे भगवान स्वामीनारायणे आ मंदिर नी अंदर भगवान गोपीनाथ जी महाराज ना स्वरूप नी मूर्ति पधरावीने एमनी आरती उतारी ने भगवान नी प्रतिष्ठा करेली। एटले के आजे 178 वर्ष आ गोपीनाथ जी महाराज ना मंदिर ने पूर्ण थई अने 179 मा वर्ष नी अंदर गोपीनाथ जी महाराज ना आ मूर्ति नो आ मंदिर नो प्रवेश थई रह्यो छे। अने आजना दिवसे समग्र देश विदेश थी स्वामीनारायण संप्रदाय ना हरिभक्तो गोपीनाथ जी महाराज ना पवित्र पावन पाटोत्सव नो लाभ लेवा माटे भगवान नी मूर्ति ना प्रतिष्ठा ना अभिषेक ना दर्शन करवा माटे जे अभिषेक स्वामीनारायण संप्रदाय ना भगवान स्वामीनारायण नी परंपरा मां आवता आचार्य श्री अने भावि आचार्य नुगेंद्र प्रसाद जी महाराज ना वरद हस्ते आजे थयो अने देश विदेश ना हरिभक्तो
આ પાટોછોની અંદર ગોપીનાથજી મહારાજના અભિષેકનો લાભ લઈને બપોરની આ સત્સંગ સભાની અંદર લાભ લઈને પ્રસાદ અને અન્નકૂટના દર્શન કરી અને પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવ્યું. આજનો દિવસ એ આ મંદિર માટે એક બહુ મહત્ત્વનો દિવસ હોય છે અને આજના દિવસે સમગ્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના દેશ વિદેશમાં રહેતા હરિભક્તો એ પોતાના તમામ કામ ધંધાઓ છોડીને આજના દિવસે અવશ્ય દર્શન કરવા માટે આવે છે. દરેક ભક્તજનોને અમારા ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તો, આમ તો પરમાત્માનું જ્યાં સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય, આપણે રોજ આરતીમાં કહીએ છીએ, 68 તીર્થ ચરણે કોટી ગયા કાશી, ભગવાનના સાનિધ્યની જ્યાં પ્રાપ્તિ થતી હોય ત્યાં સારા તીર્થોનો સમન્વય એ ભગવાનના ચરણારવિંદમાં રહેલો છે અને એ ભગવાન શ્રીહરિના ચરણ કમલથી અંકિત થયેલી આ પવિત્ર ભૂમિ છે. અન્ય ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ તીર્થ ક્ષેત્રે વિનશ્યતિ. આપણા જીવનમાં જાણે અજાણે કોઈ એવા કર્મ થયા હોય તો એ આવી પવિત્ર ભૂમિમાં આવવાથી આપણને એમાંથી મુક્તિ મળે છે. કાર્યક્રમ કે અંત મેં એક સામૂહિક ભોજ કા આયોજન કિયા જાતા હૈ જિસમે સાધુ સંતો કે સાથ સાથ કાર્યક્રમ મેં આયે સભી લોગો કો પ્રસાદ કે રૂપ મેં ભોજન કરવાયા જાતા હૈ. મંદિર કે બહાર કી ઓર ગલી મેં ગઢરા કા સબસે પુરાના બાજાર હૈ, જહાં આવશ્યકતા કા સભી સામાન મિલતા હૈ. ઇસી બાજાર મેં એક વિશાલ ઘંટા ઘર કા નિર્માણ ભી કિયા ગયા હૈ. લગભગ પૂરે નગર મેં યે વિશાલ કાય ઘડી હર દિશા સે દિખતી હૈ. ગઢરા નગર ગેલો નદી કે કિનારે બસા હુઆ હૈ. યહી ગેલો નદી ગઢરા કે સમીપ ગાંવ માંડપ ધાર સે હોકર ભી ગુઝરતી હૈ. યહાં પર હુએ પાની સે પરિવર્તન દર્શનીય હૈ, હર ઓર ખુશહાલી હૈ. આઈએ માંડપ ધાર ગાંવ ચલે. हर परिवर्तन कुछ नया लेकर आता है. किसी भी देश की उन्नति की प्रक्रिया गांव से होती हुई शहरों तक और शहरों से राज्यों और राज्यों से देश तक पहुंचती है. इस प्रगति में सभी शामिल होते हैं. गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे. प्रगति की राह यूं ही चलती रहे. जिस तरह गढ़रा का नाम भगवान स्वामी नारायण से जुड़ा है, उसी प्रकार मांडव धार का नाम भी ऋषि मांडव के नाम से जुड़ा है. यहीं पर एक गुफा में बैठकर ऋषि मांडव ने तपस्या की थी. कहा जाता है कि ये गुफा लगभग 180 किलोमीटर लंबी है, यानी ये मांडव धार से शुरू होकर जूनागढ़ में समाप्त होती है. कालांतर में इस गुफा में तपस्या करने वाले ऋषि मांडव के नाम से ही इस जगह का नाम मांडव धार पड़ा. वर्षों पहले इस गांव में एक ऐसी बीमारी फैली थी जिससे किसी को भी अचानक तेज बुखार होता और 2-3 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती थी. ऐसे में लोगों ने ईश्वर से इस प्रकोप को शांत करने की प्रार्थना की. लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकारी गईं और स्वयं भगवान स्वामी नारायण यहाँ पधारे. उन्होंने अपने तेज से इस बीमारी को जड़ से समाप्त कर दिया. लोग भगवान स्वामी नारायण के आशीर्वाद से अभिभूत हो गए और यहाँ पर एक विशाल काय स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है. 80 एवं 90 के दशक में पड़े सूखे ने इस गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया था. एक खुशहाल गाँव बदहाल होता जा रहा था. उन्हीं दिनों गढ़रा तालुका में सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित थे. इस सम्मेलन में लोगों को जल संचय का संदेश दिया, पानी से हुए परिवर्तन से लोगों को अवगत करवाया. मांडव धार गांव के लोगों ने भी इस संदेश को सुना और सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के सामने अपनी समस्या रखी. समस्या ये थी कि मुख्य सड़क से गांव में जाने वाला रास्ता नदी में से होकर गुजरता था. ये रास्ता इतनी ढलान वाला था कि उसमें उतरने चढ़ने में मनुष्यों को तो तकलीफ होती ही थी, उन मवेशियों की भी दुर्दशा हो रही थी जो बैलगाड़ी से सामान ढोकर लाते थे.
जब नदी सूखी होती थी तभी गांव में आना जाना संभव होता था। बारिश के दिनों में तो पानी के उफान से ये रास्ता बंद हो जाता था। इस समस्या से निपटने के लिए सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने यहाँ पर एक कॉजवे कम चेक डैम बनाने का सुझाव दिया। जब लोक भागीदारी का पैसा इकट्ठा हो गया तो सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से इसका निर्माण कार्य तीव्र गति से चलने लगा। जब ये कॉजवे कम चेक डैम पूरा बनकर तैयार हुआ तभी लोगों ने चैन की सांस ली। बारिश में इस चेक डैम में इतना पानी भरा कि ये ओवरफ्लो होने लगा। लोग आज निडर होकर इस चेक डैम से आते जाते हैं। इसके बनने के बाद से जल संचय तो होता ही है, आने जाने का रास्ता भी बन गया है। पूरे गांव में खुशहाली छाने लगी है। कपास की फसल अच्छी होने से किसान तरक्की करने लगे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं जिनकी गढ़ड़ा के स्वामी नारायण मंदिर में आयुर्वेद की दुकान भी है। पानी से आए परिवर्तन के बाद इन्होंने पढ़ाई में होशियार अपने सुपुत्र जयेश को उच्च शिक्षा के लिए सुरेंद्र नगर भेजा। जब वो धांगद्रा गया तो वहां उसने रणगाड़ियां एवं पैटन टैंक देखे जो कि पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में रखे गए थे। इन्हें देखकर उसने मन में ठान लिया कि वो भी अपने देश की रक्षा करेगा। उसने अपने ही बलबूते पर फौज की परीक्षा दी और उत्तीर्ण भी हो गया। आसपास के 40 गांवों में पटेल समाज का ये पहला नौजवान था जो फौज में गया था। आज भी हर त्योहार पर पूरा परिवार जयेश की राह देखता है। राखी पर बहन की आंखें नम हो जाती हैं। आज राखी पर मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। मुझे अफसोस है लेकिन गर्व भी है कि वो सरहद पर भारत माँ की रक्षा कर रहा है। आज जयेश का परिवार ही नहीं पूरा गांव उस पर गर्व करता है। पानी से आई खुशहाली से शहर के लोग भी गांव लौटकर आने लगे थे। उनमें से एक हैं ये मुन्ना भाई। गांव के लोगों के रुपया खर्च करने के सामर्थ्य को देखकर इन्होंने शहर के महंगे ठंडे पेय की बजाय कम दाम में स्वादिष्ट एवं तरावट वाले ठंडे पेय बनाने आरंभ कर दिए। इनका पूरा काम एक स्वचालित हाथ गाड़ी पर चलता है। बर्फ खिसकर उसे गिलास में डाला जाता है, फिर नींबू सिरप, उसके बाद मशीन से सोडा निकालकर गिलास में डाला जाता है। इस तरह ये स्वादिष्ट ठंडा शरबत तैयार होता है। शहर से गांव में लौटकर मुन्ना भाई पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध हो गए हैं। सपना झरना नींद का, जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना इंसान का इतिहास। सपने सच होते हैं तो खुशी होती है, कुछ ऐसा ही इस गांव के साथ भी हुआ। मांडवधार गांव में आई इस खुशहाली से प्रेरित होकर गांव वालों ने एक और चेक डैम बनाने का निर्णय लिया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग एवं लोक भागीदारी से इस चेक डैम का कार्य प्रारंभ हुआ और भरपूर श्रमदान से जल्दी ही ये बनकर तैयार हो गया। बारिश के पानी से जब ये भरा तो गांव वालों को विश्वास हो गया कि उन पर ईश्वर की असीम कृपा है। संपूर्ण गांव में हरियाली छा गई। पर्याप्त पानी मिलने से कपास की फसल भी अच्छी होने लगी है। गांव दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। लोगों ने अपने बलबूते पर छोटे छोटे धंधे शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि किसान भी अन्य व्यवसायों में पैसा लगाने लगे हैं। उन्हीं में से एक हैं यहां के सरपंच, जिनका मुख्य व्यवसाय तो कृषि प्रधान था लेकिन साथ में इसी गांव में ये हीरे का कारखाना भी चला रहे हैं, जिसमें इनको तो लाभ हो ही रहा है, साथ ही गांव के युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। कारखाने के चलते सरपंच जी को विचार आया कि दुनिया में आगे बढ़ना है तो शिक्षा अनिवार्य है। इसीलिए उन्होंने अपने सुपुत्र अरविंद को उच्च शिक्षा के लिए बोटाद के गुरुकुल में भेजा। वहां से पढ़ाई समाप्त करके वो इंजीनियरिंग कॉलेज गया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
सरपंच जी के सुपुत्र ने अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने सहज स्वीकृति दे दी। वो अपने पुत्र की तरक्की देखना चाहते थे। उससे प्रेरणा लेकर उसके चचेरे और ममेरे भाई भी अब पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। पूरा गांव आज उस पर गर्व करता है। प्रगति के इस दौर में धन तो बहुत आ रहा था, किंतु उस धन से शांति और सुकून नहीं था। इसी समस्या के निवारण के लिए गुडलिया समाज के वल्लभ भाई ने अपने कुटुंब की ओर से परम पूज्य श्री राम स्वरूप पुरी जी से संपर्क किया। उन्होंने कुटुंब को सुझाव दिया कि पूरी श्रद्धा से अपनी कुल देवी कोडियार माता में आस्था रखो। कुल देवी कुटुंब की भक्ति से प्रसन्न हुई तो 60 दिन के अंदर उनका चमत्कार दिखाई देगा। कुटुंब के लोग श्रद्धा भाव से अपनी कुल देवी की पूजा करने लगे। 60 दिन पूरा होने में केवल कुछ ही दिन बाकी थे कि पड़ोस की छत पर एक छोटी सी बच्ची ने अचानक कुछ देखा। तभी वल्लभ भाई का छोटा भाई राजू अचानक वहां आया और उसने भी देखा कि परम पूज्य श्री स्वरूप जी की भविष्यवाणी सच हो गई थी। वल्लभ भाई के घर में कोडियार माता के प्रतीक के रूप में एक त्रिशूल निकला था। लोग इसे अपनी कुलदेवी कोडियार माता का चमत्कार मान रहे थे। फिर क्या था, दर्शन के लिए यहाँ भक्तों का तांता लग गया। आसपास के गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखने आने लगे। आज इसी चमत्कारिक स्थान पर वल्लभ भाई के घर की जगह एक मंदिर ने ले ली है। वहां पर एक सुंदर कोडियार माता जी का मंदिर बनाया गया है। विधि विधान से पूजा पाठ एवं यज्ञ करके इसे पवित्र किया गया। गांव के मैदान में बड़ा सा पंडाल लगाकर कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य लोगों ने कथा बांची एवं लोगों ने इसे सुनकर भक्ति रस का आनंद लिया। पूरे गांव के लिए भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रसाद स्वरूप स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। आज ये कोडियार मंदिर गुडलिया परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे मांडव धार एवं गढ़ड़ा के आसपास के गांवों में आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। दर्शकों, आज आपने पानी से हुए परिवर्तनों के साथ साथ ऋषि मुनियों, तीर्थ स्थलों एवं कुछ नए नए चमत्कारों को भी देखा। अगले सप्ताह कुछ इसी तरह के किस्सों के साथ नए गांवों का रुख करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतार गाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261-253-2153, 0942-645-4588।